ओके, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग जो है मेंबरशिप ऑपरेटर उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग का ऑपरेटर का डिस्कशन चल रहा है, तो हम लोग उसको सिक्वेंशली हम लोग देखते जा रहे हैं कि किस तरह से जो है ऑपरेटर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो मेंबरशिप ऑपरेटर देखते हैं। तो जो पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर है इसको हम लोग क्या करते हैं, सिक्वेंस में हम लोग उसको टेस्ट करते हैं। तो जनरली जो ये सिक्वेंस जो सिक्वेंस फॉर्म में होता है, तो इसको हम लोग किसके साथ टेस्ट करते हैं, स्ट्रिंग के साथ होता है, लिस्ट और टपल के साथ हम लोग इसका यूज करते हैं। और जनरली जो मेंबरशिप ऑपरेटर यूज होते हैं, एक है आपका है इन ऑपरेटर है और दूसरा है नॉट इन। ठीक है, तो जो इन ऑपरेटर होता है, इन ऑपरेटर क्या करता है कि जब आप उसको मतलब कोई लिस्ट है या स्ट्रिंग है या कोई टपल है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं कि वो पर्टिकुलर कोई एलिमेंट है। ठीक है, तो वो एलिमेंट उसमें अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो अवेलेबल होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अवेलेबल नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, और ये सिक्वेंशली चेक करेगा, जो मतलब लिस्ट का अगर मान लो कि फर्स्ट एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट फर्स्ट है, फर्स्ट एलिमेंट से वो लास्ट एलिमेंट तक उसको क्या करेगा, सिक्वेंशली चेक करेगा। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे गिवन है एक्स इन वाई, एक्स इन वाई हियर हियर इज रिजल्ट इन ए वन इफ एक्स इज द मेंबर ऑफ सिक्वेंस। अगर वो क्या है कि जो वाई उसके अंदर मतलब किसके अंदर होगा, इस पर्टिकुलर वाई के अंदर अगर एक्स अवेलेबल होगा, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वन होगा। ओके, और अगर वैसे ही अगर मान लो कि लिस्ट या उसमें जो स्ट्रिंग है उसमें टपल में अवेलेबल नहीं है ना, तो उसके लिए हम लोग लेंगे नॉट इन। ठीक है, तो अगर वो नॉट इन मीन्स अगर इसमें क्या होगा कि वो अवेलेबल नहीं होगा तो ये टू रिटर्न कर देगा, और अगर अवेलेबल होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, बिल्कुल इन का अपोजिट हो जाएगा नॉट इन। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे एक लिस्ट गिवन है, ठीक है, लिस्ट के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये एलिमेंट गिवन है। ओके, अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि लिस्ट के एलिमेंट उसको पहले प्रिंट कर दिया, कि जो भी पर्टिकुलर लिस्ट है उसके एलिमेंट को डिस्प्ले कर दिया। अब यहाँ पे हमने कंडीशन चेक किया, सपोज 3 इन लिस्ट, अगर 3 इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर अवेलेबल होगा, ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमको रिटर्न कर देगा 3 अवेलेबल इन द लिस्ट, और अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो ये रिटर्न करेगा 3 इज नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट। तभी हम लोग देखते हैं कि लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है, तो सबसे पहले एलिमेंट किसे चेक किया, 1 से चेक किया, तो नॉट अवेलेबल, इसमें भी नॉट अवेलेबल, बट ये 3 के पास किया तो यहाँ पे अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका जो कंडीशन है वो क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी, तो ये वाला जो मैसेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पाइथन प्रॉम्प्ट पे भी करके देखते हैं। नाउ सी इन पाइथन प्रॉम्प्ट, ये इसको हम लोग थोड़ा सा क्रॉप कर देते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट को। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हमने एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया एक एल एक लिस्ट ले लेते हैं, इसमें एलिमेंट पास कर दिया हमने, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये लिस्ट के एलिमेंट हमने डिस्प्ले कर दिए। ठीक है, अब इस लिस्ट को हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, आप चाहो तो प्रिंट के साथ दो, और अगर आप इसको इसको जो पाइथन सेल के ऊपर डायरेक्ट यूज करेंगे तो भी डिस्प्ले कर देगा, तो ये एलिमेंट डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब इसमें हम कंडीशन डालते हैं, सपोज इफ, ठीक है, कौन सा एलिमेंट लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं कोई एलिमेंट 7। ठीक है, इन हमने पास किया लिस्ट, ठीक है, ये हमने कंडीशन पास इसके साथ में पास कर रहे हैं। अगर सपोज ये अवेलेबल होता है तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा यस। ठीक है, और अगर ये अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, तो इस केस में हम क्या पास कर देते हैं, एल्स पास कर देंगे, एल्स पास कर देते हैं। ठीक है, अगर ये अवेलेबल नहीं होता तो इसमें आ जाएगा प्रिंट, इसमें हो गया नो। ठीक है, तो अभी देखो ये एलिमेंट है, इसके अंदर 7 इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, नो आना चाहिए, देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास नो, रिटर्न होकर आ गया क्योंकि इसमें अवेलेबल नहीं था। ठीक है, फिर वापस इस कंडीशन को हम लोग ले लेते हैं। अब कोई एलिमेंट चेक करते हैं, सपोज हमने ले लिया 5। ठीक है, 5 इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर अवेलेबल है। ओके, तो हम इंटर करते हैं यस इट इज अवेलेबल। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया कि एलिमेंट अवेलेबल हो गया। अब यही केस हम लोग किसके साथ करते हैं, इसी केस को हम लोग लेते हैं नॉट इन के साथ। ठीक है, यहाँ पे पास कर दिया मैंने 7,
नॉट इन दिस, है ना, ये एल के अंदर अवेलेबल नहीं है, कंडीशन पास कर दी गई, ठीक है। अगर ये सेवन इसमें अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास क्या जाएगा, यस, और अगर अवेलेबल होगा, ठीक है, तो ये क्या जाएगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, यस नॉट इन मीन्स ये जो सेवन, ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि ये सेवन इसके साथ अवेलेबल, इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने नॉट इन लिया, ठीक है। हम लोग इसका अपोजिट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज मान लेते हैं थ्री, थ्री ले लिया, थ्री एलिमेंट इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल है, अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर हम नॉट इन ले रहे हैं तो ये नॉट इन मीन्स ये जो लिस्ट है, ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इस केस में। तो ये किस पे आ जाएगा, मतलब इस कंडीशन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो इस वाले पे आ जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं, ओके, नाउ दिस इज नो, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज होता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर, है ना। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, देखते हैं। द आइडेंटिटी ऑपरेटर कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, है ना। ये जो है मेमोरी लोकेशन चेक करेगा, ठीक है, जो भी, तो हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है, वो उसमें चेक करेगा। देर आर टू आइडेंटिटी ऑपरेटर इन पर्टिकुलर, जो हमारा इसमें हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। एक तो होता है इज और दूसरा होता है इज नॉट, ठीक है। तो इज नॉट के जो इज है वो किस तरह से वर्क करता है, इवेलेट द ट्रू इफ द वेरिएबल और ऑन आइदर द साइट ऑन द ऑपरेटर पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट एंड फॉल्स द अदरवाइज। मतलब जो हम इसके अंदर जो वेरिएबल्स के अंदर है ना, वेरिएबल्स हम लोगों ने लिया है, उसके वो उसके जो ऑपरेटर है उसके अंदर सेम ऑब्जेक्ट के अंदर है या नहीं है उसको चेक करेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, सपोज एक्स इज वाई, एक्स क्या होगा अगर वाई में है, ठीक है, अगर इसके वाई के अंदर है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, वन होगा। वन किसके लिए होगा, ट्रू के लिए होगा, ठीक है, और अगर वो नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। और इफ आई डी एक्स इज इक्वल टू आई डी वाई, मतलब ये जो इसकी आई डी हम जो कंपेयर कर रहे हैं वो अगर इसके इक्वल है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, और अगर वो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है तो ये क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। फिर होता है वैसे ही नॉट, इज नॉट का होता है इवेलेट द फॉल्स इफ द वेरिएबल ऑफ आइदर साइड इज ऑपरेटर पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट, मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गए, दोनों सेम हो गए, तो वो उसमें फॉल्स रिटर्न कर देगा, बिल्कुल इसका अपोजिट, और ट्रू रिटर्न करेगा अदरवाइज, अगर वो दोनों सेम नहीं होंगे तो वो क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पे एलिमेंट है ए एंड बी, है ना, ए और बी गिवन है 20 एंड 20, ठीक है, दोनों एलिमेंट सेम है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर हम लोगों ने पहले इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है, ए और बी को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करें, ए इज बी, अगर ये ए बी में है, मतलब ए और बी की दोनों की आइडेंटिटी सेम है, तो इस केस में क्या आ जाएगा, ए एंड बी सेम आइडेंटिटी, और नहीं है तो क्या आ जाएगा, नॉट सेम आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी हम लोग एड्रेस के थ्रू चेक करें, तो यहाँ जैसे यहाँ पे पास किया हमने, इसके आई डी पास कर दी, तो इसकी जो आई डी है, ठीक है, ए की आई डी और बी की आई डी सेम है, तो इसमें क्या आ गया, मैसेज आ गया आपका सेम आइडेंटिटी, ओके। एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ए एंड बी, ठीक है, दोनों वेरिएबल हम लोगों ने लिए, एक को हमने पास किया 10 और दूसरे को पास कर दिया 10, ठीक है ना। ये एक फायदा जो हमारा जो पाइथन है इसका एक फीचर है, ठीक है, कि ये हम लोग जैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, कि जैसे मान लो कि दोनों वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए और दोनों की वैल्यू सेम है, तो वो एक ही को पॉइंट करता है, मीन्स उसका एड्रेस क्या होगा, सेम होगा, तो वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए को प्रिंट कर देते हैं, ए 10, बी को प्रिंट किया ये 10। अब इसकी आईडी चेक करते हैं, आईडी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, दिस इज द ए, ओके, ये हमारे पास आ गई किसकी, ए की आईडी। अब आईडी चेक करते हैं किसकी, बी की, ओके, दिस, देखो दोनों की आईडी सेम है, इन दोनों की आईडी सेम है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन पास करके चेक करते हैं, सपोज इफ क्या हो गया हमारे पास, ए इज क्या था, बी, देन अगर ये है, मतलब दोनों की आइडेंटिटी सेम है, तो हम इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट क्या, मैसेज हो गया सेम, ठीक है, ओके। देन एल्स ले लेते हैं हम लोग, एल्स में गए, अब वो सेम नहीं है, तो उस केस में हम लोगों ने कर दिया
सेम नहीं है तो हम क्या कहते हैं, डिफरेंट। ठीक है, ओके ठीक है, ये हमने पास कर दिया, तो चेक करते हैं, दिस इज सेम। ओके, अब मान लो कि मैं कोई थर्ड वेरिएबल ले लेता हूँ, दिस इज द सी। अब इसको मैंने पास कर दिया 15। अब इसके लिए हम लोग चला के इसको रन करके देखते हैं, दिस। ठीक है, यहाँ पे मैंने सपोज पास कर दिया सी, है ना, सी पास कर दिया, आप देखते हैं। ओके डिफरेंट, ठीक है, दोनों की आइडेंटिटी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। ठीक है, अगर हम दोनों को प्रिंट करते हैं, सपोज आईडी ऑफ ए, है ना, देन आई थिंक दोनों प्रिंट हो जाना चाहिए, आईडी ऑफ बी नहीं होता तो देखते हैं, सॉरी आईडी ऑफ सी, देखते दोनों प्रिंट कर रहा है कि, हाँ देखो दोनों के आईडी में डिफरेंस है, इसलिए क्या हो गया, इसने डिफरेंट प्रिंट कर दिया। ओके, अब वैसे ही हम लोग क्या किसके लिए यूज़ करते हैं, इज नॉट यूज करते हैं, इज नॉट, तो इसको वापस ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दिया, इज नॉट, अभी ये कंडीशन क्या दिया था, इसने डिफरेंट दिया था, तो इज नॉट ले लेते हैं दिस। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, दिस। ओके, ये हो गया सेम। सेम क्यों हो गया, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, ये कि ए और सी दोनों के जो हमने सेट किया था, दोनों के जो हम लोगों ने आइडेंटिटी या एड्रेस सेट किया था, ठीक है, ये खुद ही बोल रहा है कि ये इसके इसमें नहीं है, सेम नहीं है, तो इसने क्या किया, जो ट्रू वाला मैसेज था सेम, उसको प्रिंट कर दिया। ओके, अगर आप चाहो तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज कैसे करेंगे, कि इस डिफरेंट को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से सेम को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना, प्रिंट करके देखते हैं, दिस इज द डिफरेंट। ठीक है, क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है, इसलिए कंडीशन क्या हो गई, इसकी फॉल्स हो गई। फॉल्स मीन्स इस केस में तो ट्रू हो जाएगी, ठीक है, फॉल्स, अब ये फॉल्स कौन सा हो गया, ये हो गया। अब इसको हम बिल्कुल अपोजिट करके देखते हैं, अब हम लोग ए और बी को ले लेते हैं, दोनों सेम है, ठीक है ना, इस केस में ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये ट्रू कंडीशन पे आ जाएगा। ओके, दिस इज द सेम, ठीक है।